हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर एम इन एपेक्स लेजेंड्स। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों को बताने वाला हूं जिससे आपका गेम प्ले काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनको एपेक्स खेलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, या तो बिल्कुल नए हैं, या जिनको एक महीना, दो महीने या तीन महीने के अराउंड हो चुके हैं और वो अपना गेम प्ले और अपना एम दोनों साथ में इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आप गेम में बिल्कुल नए हो, आपको बिल्कुल नए से मेरा मतलब ये है कि आपको एक महीना हो चुका है या आपको गेम का थोड़ा बहुत पता है और आपको कन्फ्यूजन है कि यार मैं कौन सी गन चलाऊँ, मैं वो चलाता हूँ तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाता, या मेरे से गन का रिकॉयल कंट्रोल नहीं होता, मैं शूट नहीं कर पाता टाइम से, तो उसके लिए क्या है, मैं रिकमेंड करूँगा आपको ऑल्टरनेटर के साथ जाओ। और आपको करना क्या है, ऑल्टरनेटर लेना, कुछ एमोज लेनी है, आपको कोई भी अटैचमेंट नहीं लेना, ना स्कोप, ना बैरल, ना स्टैंडर्ड स्टॉक, ना ही मैगजीन। आप यहाँ आ जाओ, जो ये आपका मूविंग है, जो आपका ये मूविंग टारगेट है, आप इस एज पे खड़ा हो ना, आपको कोशिश ये करनी है कि ये जो पीछे वाले तीन पॉइंट्स हैं, कैंसिल तीन पॉइंट्स, आपको इनको शूट करना है और आपको कोशिश ये करनी है कि वो 150 प्लस आपका डैमेज आए इसके अंदर। तो जैसे मैं दिखा देता हूँ, तो ये मेरा 150 प्लस डैमेज आ गया, फिर मैं सेकेंड टारगेट पर जाता हूँ, ये मेरा 150 प्लस डैमेज आ गया। पहली गन मैंने आपको रिकमेंड की ऑल्टरनेटर, दूसरी गन है हैवी की, वो है स्पिटफायर हियर। आप स्पिटफायर यूज़ करो सेम, बिना किसी अटैचमेट के। मैं थोड़ा सा एमो और ले लेता हूँ क्योंकि एलएमजी है तो ऑलरेडी इसका जो है जो एमो स्टॉक है इसका ज़्यादा है। अब आपको करना क्या है, आपको जल्दी से इस वॉल के पास आना है, सेटिंग में जाना है, वीडियो में जाना है, नीचे जाके इम्पैक्ट मार्क्स को आपको ऑन करना है और आपको ADS करना है बिना माउस को हिलाए, यानी कि मैं माउस को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लेता हूँ और राइट हैंड से सिर्फ शूट का बटन दबाता हूँ। आप देखना जो मेरा शूट का जो पैटर्न है वो ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि जो भी मेरी गोलियाँ हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। दूसरा दिखाया तो मैं आपको स्पिट फायर के लिए सेम ADS किया, माउस को होल्ड किया, तो अब जो आपको यहाँ पे स्प्रे पैटर्न दिख रहा है ये बेसिकली गन का स्प्रे पैटर्न है और आपको इसी को कंट्रोल करना है। आप नोटिस करना, मैं शूट कर रहा हूँ, हल्का हल्का माउस अपना पीछे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, अब सेम हम करते हैं स्पिट फायर के लिए। अब क्योंकि स्पिट फायर का जो स्प्रे पैटर्न है वो टेढ़ा है, टेढ़ा से आप देखोगे तो यहाँ से एक लाइन जा रही है 45 डिग्री पे लेफ्ट की तरफ, फिर यहाँ से 45 डिग्री पे, मतलब 45 डिग्री तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे एक एंगल पे राइट की तरफ। तो यानी कि आपको इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको माउस पीछे की तरफ तो ड्रैग करना है, साथ ही साथ आपको डायगनली टूवर्ड्स राइट बॉटम की तरफ पहले थोड़ी देर आपको नीचे की तरफ खींचना है और उसके बाद आप नीचे राइट की तरफ खींचना है। और क्योंकि अब यहाँ से ऊपर जाते हुए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो आपको एक बार तो नीचे खींचना है और राइट की तरफ ड्रैग करना है और कुछ पॉइंट के बाद आपको फिर नीचे तो खींचना ही है और फिर लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसका रिकॉइल कंट्रोल करने की, मैंने ADS किया और ये बस आपको छोटा मोटा मोटा आपको गेम में यही प्रैक्टिस करनी है किसी भी गन के लिए। मैं R99 लेता हूँ और अब मैं इसको फुली किटेड कर लेता हूँ और ये मैंने लिया, ये यहाँ से मैंने एमो उठाई, मैं वापस जाता हूँ। तो R99 का स्प्रे पैटर्न है वो थोड़ा सा ट्रिकी इन द सेंस इसमें एक अलग सा कर्व बनता है। तो सेम मैंने एम डाउन द साइड किया, माउस को होल्ड किया, लेफ्ट हैंड से मैं क्लिक किया शूट करने के लिए, सेम पैटर्न है, बुलेट सारी ऊपर की तरफ जा रही है और एक कर्व बनता है बिल्कुल एंड में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेम ADS करूँगा, माउस को पीछे ड्रैग करूँगा, तो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल योर रिकॉयल ऑफ एनी गन। अब आपको मैंने ये चीज़ें बता दी हैं, अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ शील्ड्स के बारे में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ गोल्डन बॉडी शील्ड से। तो गोल्डन बॉडी शील्ड के आप कार्ड अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव्ड माइनर हील सिरिंजेस एंड शील्ड सेल्स हैव इम्प्रूव्ड इफेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप सपोज करो कि मैंने एक बॉडी शील्ड उठाई गोल्डन और मैं अभी खुद को डैमेज करता हूँ, ये मैंने खुद को डैमेज किया, अगर मैं शील्ड सेल लगाता हूँ चार्ज करने के लिए अपनी बॉडी शील्ड, तो नॉर्मल अगर बॉडी शील्ड को अगर मैं चार्ज करूँगा तो क्योंकि यहाँ अगर आप नोटिस करोगे मेरे कैरेक्टर के सामने जहाँ पे मेरी शील्ड के बार्स हैं वो चार बार्स हैं, तो अगर मैं बॉडी शील्ड चार्ज करता हूँ गोल्डन के अलावा
तो एक शील्ड सेल से मेरा एक बार चार्ज होता है, लेकिन गोल्डन बॉडी शील्ड के साथ क्या है, अगर मैं एक शील्ड सेल यूज़ करता हूँ तो मेरे एक शील्ड सेल लगाने पर दो बार चार्ज हो जाएंगे। सेम केस है आपके हेल्थ के साथ, यानी कि ये आपको 25 हेल्थ ना देके, बॉडी शील्ड आपकी गोल्डन 25 हेल्थ ना जाके सीधा 50 हेल्थ आपकी चार्ज करती है। अब मैं आता हूँ गोल्डन हेलमेट पे। अभी अगर आप नोटिस करोगे बॉटम में बिल्कुल सेंटर पे, तो मेरा जो कैरेक्टर है उसका अल्टी चार्ज हो रहा है, 60% हो गया, 61% हो गया, 62% हो गया। तो ये जिस स्पीड से चार्ज हो रहा है, गोल्डन हेलमेट क्या करता है, आपके इस अल्टी को बहुत ज़्यादा स्पीड उसकी बढ़ा देता है चार्ज होने के लिए। तो जैसे ही मैं इक्विप करूँगा, आप नोटिस करना नंबर कितनी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। नोटिस किया आपने? तो गोल्डन हेलमेट आपका ये एबिलिटी देता है कि आपकी जो अल्टी है उसको जल्दी से चार्ज करता है। अब आता हूँ मैं गोल्डन बैकपैक के। गोल्डन बैकपैक कहता है यू रिवाइव स्क्वाड मेट्स विद बोनस शील्ड्स एंड हेल्थ। इसका मतलब ये है कि अगर आप गोल्डन बैकपैक यूज़ करते हो और आपने उसको इक्विप किया हुआ है, तो अगर आप अपने किसी भी टीममेट को रिवाइव करोगे तो उसकी बॉडी शील्ड और उसकी हेल्थ चार्ज हो जाएगी। कीप इन माइंड, पूरी नहीं चार्ज होगी, अराउंड 50% उसकी शील्ड चार्ज होगी और अराउंड 50% उसकी हेल्थ चार्ज होगी। अब मैं आता हूँ गोल्डन नॉकडाउन पे। गोल्डन नॉकडाउन क्या करता है, गोल्डन नॉकडाउन शील्ड आपको ये एबिलिटी देती है कि अगर सपोज आप इन गेम फाइट लेते हुए डाउन हो जाते हो, तो गोल्डन नॉकडाउन की हेल्प से आप जो है खुद को सेल्फ रिवाइव कर सकते हो। और ये जो एबिलिटी है वो एक ही बार यूज़ होती है। अगर आप रिवाइव कर रहे हो और आप किसी ने शूट कर दिया रिवाइव के बीच में, तो आप मर जाओगे। और वो जिसने आपको शूट किया, वो आपके बैग में से गोल्डन नॉकडाउन शील्ड ले सकता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इन आइटम्स की पेयरिंग आपको कैसे करनी है। तो गोल्डन बॉडी शील्ड अगर आपको मिलती है तो आप यूज़ कर लो, तो आप अपने टीममेट को दे दो जो कि वीक खेल रहा है। गोल्डन हेलमेट आप अपने उस टीममेट को दो जिसकी अल्टी आपको यूज़ करनी है ज़्यादा बार। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी स्क्वाड में है, जैसे है पाथफाइंडर है, मैं रेथ हूँ, और एक हमारा कैरेक्टर है जो कि ब्लड हाउंड खेलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, गोल्डन हेलमेट ना स्वैप करते रहते हैं बीच बीच में। सपोज़ आगे फाइट हो रही है और मुझे मेरे टीममेट्स को पता है या मुझे पता है कि हमको जो है रेत के पोर्टल की ज़रूरत पड़ेगी बीच में, और मेरा अल्टी चार्ज नहीं है और थोड़ा चार्ज जल्दी करने की ज़रूरत है, तो मेरा जो भी टीममेट है वो अपना गोल्डन हेलमेट मुझे देता है कि आप गोल्डन हेलमेट यूज़ करो क्योंकि आपका अल्टी चार्ज हो जाएगा। सेम अगर फाइट के बीच में से मुझे ज़रूरत है कि मेरे को अपनी पोजिशनिंग चेंज करनी है, तो मुझे ज़रूरत है कि पाथफाइंडर का मेरे को ज़िपलाइन चाहिए, तो मैं अपना, अगर मेरे पास गोल्डन हेलमेट है तो मैं अपना गोल्डन हेलमेट अपने पाथफाइंडर को ऑफर कर दूंगा ताकि उसका अल्टी जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए। स्नाइपर अगर आप चलाना चाहते हो, देन गो विद दिस ट्रिपल टेक और विद चार्ज राइफल। और एनर्जी वेपन आप चलाना चाहते हो तो बहुत ट्रिकी जो है वो आपका हैवक है। हैवक जो है चलती है तो हैवक में एक डिले आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर टर्बो चार्जर आपके पास नहीं है तो हैवक से जब आप शूट करते हो तो पहला बुलेट शूट होने से पहले हैवक जो है टाइम लेती है, तो इस चीज़ का आप हमेशा आप ध्यान रखना। एनर्जी वेपन जो मैं प्रेफर करता हूँ, जो गेम में अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गन है, वो है आपका वोल्ट SMG। क्यों? क्योंकि एक तो इसका रिकॉयल पैटर्न बिल्कुल सीधा है, रिकॉयल पैटर्न बड़ा इजीली कंट्रोल होता है, आपको माउस बस पीछे 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 खींच, हल्का सा पीछे खींच के रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इसका एम बिल्कुल सही है, बुलेट्स बिल्कुल सीधी जाती हैं, इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं होती। सिर्फ इसका जो रिकॉयल पैटर्न है वो ऊपर की तरफ है। आप सेम वही वॉल वाला एग्जाम्पल करके देखना, वोल्ट लेना, वॉल के पास जाना, शूट करना, पता लग जाएगा आपको, उसकी प्रैक्टिस करना, रिकॉयल कंट्रोल करना। यहाँ पे डमीज़ है, डमीज़ को मार मार के मैं थक गया, तो मैं ऐसा क्या करूँ ऐसा कि जिससे मेरा एम और ज़्यादा इम्प्रूव हो, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। आपको अपनी इन्वेंट्री में से सारे आइटम गिराने हैं, बॉडी शील्ड हेलमेट आप रख सकते हो नो डाउट। मैंने कैरेक्टर चेंज किया, मैं ऑक्टेन लेके जा रहा हूँ। आपको ये लास्ट वाले स्पॉन एरिया में आना है, एकदम लास्ट वाले स्पॉन एरिया का मतलब क्या है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ मेरी शॉटगन है इसके बिल्कुल सामने वाला, आपको यहाँ आके खड़े होना है। ये आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से पाथफाइंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इस एरिया पे आपको क्यू करना है। या आपने क्यू किया या आप ऊपर आ गए, ऊपर आके नीचे ड्रॉप करोगे, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आना है, यहाँ पे बिल्कुल इस वॉल के बिल्कुल यहाँ पे, यानी कि आपको ये दिखना चाहिए प्रीडेटर वाला सिंबल। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल माउस से नीचे देखना है, डायरेक्टली नीचे, फिर आपको सी दबाना है, यानी कि आपका कैरेक्टर क्राउच कर गया, आपको एम दबाना है और कैरेक्टर चेंज कर लेना है। दिस टाइम ये जो आपने साउंड सुना ना, ये साउंड आपका आना चाहिए, ये साउंड आपने सुना। अब आप आकर जाके देखोगे, अब अगर आप नीचे जाके देखोगे तो आप नोटिस करना, जो डमीज थी पहले स्टेशनरी खड़ी थी, जो डमीज यहाँ पे स्टेशनरी खड़ी थी, अब वो मूव कर रही है और वो शूट भी कर रही है।
अब आप क्या कर सकते हो मूविंग डमीज के साथ ना, आप यहाँ पे अपना एम प्रैक्टिस कर सकते हो हर गन के साथ, धीरे धीरे करके। इसमें जो है मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, जो बेसिक सी चीज़ है वो ये है, आप कोई भी गन अगर यूज़ करो डमीज के साथ स्टार्टिंग में, तो आप कोशिश करना कि आप बिना किसी अटैचमेंट के वो गन यूज़ करो, ताकि आपको पता लगेगा कि वो गन कितना डैमेज देती है, किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हो। क्योंकि अगर आप बिना किसी अटैचमेंट के डमीज़ को अगर यहाँ पे फिनिश कर सकते हो, तो बिलीव मी आप इन गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपका हो जाएगा। तो अगर आपको दोबारा बंद करना है, आपको यहाँ जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाके सी दबा के क्राउच करके डायरेक्टली नीचे देख के कैरेक्टर क्रिएट करना है। आपको फिर साउंड आया, इसका मतलब क्या है, जो डमीज़ अभी एक्टिव थी, जो डमीज़ आपने एक्टिव की थी वो अभी इनएक्टिव हो चुकी हैं। तो अभी जैसा आपने देखा, बस सेम आप फायरिंग रेंज में जाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एम इम्प्रूव कीजिए, और जो बेसिक टिप्स और ट्रिक्स है उनको आप नॉर्मल अपने डे टू डे प्ले के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करना। मूवमेंट गाइड की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, उसको जाओ, उसको देखो और अपनी मूवमेंट पर भी काम करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप मिलिए, साथ में खेलते हैं, साथ में इम्प्रूव करते हैं।